कुछ नहीं बाबू, एलकेजी का चीज है, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट, इतना अगर कर लेते सर तो उसके बाद हमको कुछ नहीं दे करना, सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमको कुछ भी नहीं करना है बाबू, थोड़ा सा कुछ दो चार गो के वैल्यू याद रखना है ना, याद रखना है। क्या आप कहना चाह रहे हैं? मतलब बाबू स्क्वायर रूट के अंदर जो जो वैल्यू आएगा ना बाबू, उसको याद रखना, और जो नहीं सोल्व होगा उसको हम आगे चैप्टर है का है मेरा, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट करके चैप्टर है ना, तो ये वाला साइड हम लिख देते हैं। इसको वैल्यू को याद रखना है ना, इस वैल्यू को याद रखना बाबू अभी फिलहाल, इसको बाकी फिर बताएंगे डिटेल से। स्क्वायर रूट कहीं वन है बाबू, स्क्वायर रूट वन है तो ये सिंबल हटा हुआ तो इसका वन होता है, ठीक है। अगर फोर आएगा बाबू तो इसका बाबू दो होगा, अगर नाइन आएगा बाबू तो इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू थ्री होगा, अगर थ्री स्क्वायर रूट के होगा अंदर सिक्स, हाँ स्क्वायर रूट के अंदर बाबू अगर 16 आ गया तो ये वाला सिंबल हटेगा ना, ये वाला सिंबल हट के क्या देगा, इसका फोर आएगा। यही बाबू अगर 25 है, ठीक है, तो ये सिंबल हटाओगे तो क्या आएगा, फाइव आएगा। अगर 36 है बाबू तो कितना आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। इसी तरह बाबू 49 है तो कितना आ जाएगा, सेवन आ जाएगा, है ना। अरे कुछ नहीं होता बाबू, सेवन इसका बताएंगे डिटेल्स ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। अभी फिलहाल इतना रखो, मतलब सर वन है बाबू, टू है, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है ना, सेवन। तो सेवन का बाबू किसका स्क्वायर रूट होगा, 49 का। 64 है बाबू तो कितना होगा, एट होगा। 81 है बाबू तो किसका होगा, नाइन होगा। 100 स्क्वायर रूट के अंदर 100 आ जाएगा बाबू तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर 121 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 144 आएगा बाबू तो 12 हो जाएगा। 169 आ जाएगा बाबू, 169 तो 13 हो जाएगा। ये सब थोड़ा याद रखना है ना बाबू, वन से बाबू 13 हो गया है ना, नेक्स्ट 20 तक एटलीस्ट बाबू, यू हैव टू रिमेम्बर बाबू एटलीस्ट 20 तक, ठीक। बाकी तो ये सब बाबू चटनी है, इसे बाबू चटनी है, ठीक है ना। जब आप स्क्वायर रूट क्यूब रूट चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो वहां पे आसानी से एकदम चटनी है। उसी तरह से बाबू 13 है, 14 का 196, 196 रहेगा तो 14 होगा। अगर 225 है बाबू तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू 16 का बाबू 256 होता, ये 16 हो जाएगा। अगर 289 है बाबू तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अगर बाबू 324 है बाबू तो 18 हो जाएगा, और 361 है बाबू तो 19 हो जाएगा, और 400 है बाबू तो 20 हो जाएगा। ये सब कम से कम याद रखो, है ना। मतलब ट्वेंटी क्या सम फाइव तक क्या, हाँ याद है तो अच्छी बात है, याद है तो अच्छी बात। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब कुछ नहीं बाबू। स्क्वायर रूट वन का वैल्यू कितना बाबू, वन है। वहां से स्क्वायर रूट वन का वैल्यू कितना बाबू, वन है। तब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, -5 बाबू प्लस बाबू, स्क्वायर रूट वन के वैल्यू कितना सर, वन है, वन। तो यहाँ से वन हो गया अपॉन टू, ये बाबू इसमें कोई अंतर नहीं है, ये दूसरा वैल्यू ये हो जाएगा -5 बाबू, अब माइनस स्क्वायर रूट वन का वैल्यू बाबू वन अपॉन टू। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, एक्स इक्वल टू -5 प्लस 1 कितना, -4 अपॉन 2, ठीक बाबू। -5 -1 कितना, -6 बाबू अपॉन 2। इसको कैंसिल आउट करो बाबू, यहां तक तो आप लोग लिख के लिए होगा बाबू, यहां तक लिख यस लिया था सर, कहाँ हाँ सर यहां तक तो लिख लिया था, चलो अच्छी बात है। अब इसको कैंसिल आउट करो बाबू, कैंसिल आउट करो मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, क्या ये बाबू टू से कितना हो जाएंगे, टू हो जाएंगे, आई टू से थ्री हो जाएगा। मतलब एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस बाबू टू हो गया, आई -3 हो गया। तो यही बाबू एक्स का क्या आ गया, वैल्यू आ गया। तो फैक्टर से भी सोल्व करो बाबू, यही आंसर आएगा, और बाबू ये फॉर्मूला लगा के यूज करोगे तो यही आंसर आएगा। आप लोग लिखो, अब थोड़ा हम आप लोग से बाबू देखते हैं। या जानवी शर्मा वीडियो ऑन कीजिए, समझ में आया प्रधान की नहीं आया बाबू, दो तीन क्वेश्चन करेंगे, सर दो तीन क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन करेंगे तो आ जाएगा बाबू। इसको इसको आप लोग लिख लिया ना, यस सर। क्या बाबू, स्क्वायर भी लिखना है क्या, स्क्वायर वन इज इक्वल टू वन। वो भी हाँ वो भी बगल में लिख लीजिए। मिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ी है बाबू कि नहीं पढ़ी है, मिस्ट्री यस सर पढ़ी हूँ, पढ़ी है बाबू, चलो अच्छी बात है पढ़ी। तो कौन भागे, सानवी भागे, सानवी गई होगी हमको पता है, सानवी वही चल गए। सानवी इतना अब्सेंटे रहती है ना बाबू, थोड़ा सा उसको वो नहीं टिकेगी तब ना, नहीं टिक पाएगी लगती है, इतना कोई एब्सेंट रहेगा कैसे बैकअप हो पाएगा, वो पूरा ये अलजेब्रा छोड़ दिया है, 7 बजे से उसको टाइम ही नहीं है।
जल्दी लिखो, थोड़ा फास्ट लिखो सर। हम लोग ये स्क्वायर रूट भी हाँ बाबू लिख लीजिए, हाँ लिख लीजिए वो लिख लीजिए। हाँ बाबू समझी जानवी शर्मा, ये तो आपको सेकेंड टाइम पढ़ा रहे हैं बाबू जानवी शर्मा। यस सर। वीडियो का है बंद किए बाबू? कहते तो ऑन करती है। संजना समझे? संजना आजकल जानवी शर्मा इतना चिल्लाना कम क्यों कर दी है बाबू? दूसरे के घर में नहीं ना बोलने में बनता है, सब बाबू अपने घर में ना सेव होता है बाबू। आप लोग अपने घर में ना हाय हल्ला करते, दूसरे के घर में थोड़ी हल्ला कीजिएगा। संजना ये संजना शैतान, इसका फेस तो कभी दिखता ही नहीं बाबू। संजना सुनोगे कि नहीं सुनोगे बाबू? क्या हुआ तबियत नहीं ठीक है बाबू? खाना नहीं खाई हो क्या? हाँ? ना बोलती है, क्या हुआ शैतान? ऐसा नहीं ना, वो क्या हुआ क्या? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं तो पढ़ाई लिखाई काहे नहीं कर रही मन से? हाँ? कहा नहीं समझ में आया बाबू? कहा नहीं समझ में आया सर? आ गया शैतान है। अदित्रे बोलते हैं आपके दीदी को। यस सर। कहा नहीं समझ में आया बाबू? थोड़ा बहुत समझ में आया कि ऊपर सारा का सारा पार हो गया सर? मुझे स्क्वायर रूट समझ में नहीं आया, आधा आधा समझ में आया। अरे स्क्वायर रूट बाबू आप कैलकुलेशन पहले समझो ना। ये स्क्वायर रूट हम समझ रहे हैं बाबू, आपकी भावना समझ रहे हैं। स्क्वायर रूट बाबू इसका वैल्यू याद रखो, स्क्वायर रूट वन का बाबू वन, चार का बाबू दो हो जाएगा, नाइन का बाबू तीन होगा, है ना? तो उसको आप खाली यहाँ पे करो ना, यहाँ पे करो ना। स्क्वायर रूट एक चैप्टर है बाबू, उसको पढ़ाएंगे ना तो फिर ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और रेस्ट ऑफ चीज ठीक है बाबू? आदित्य बाकी सब समझ में आ गया? कैलकुलेशन वगैरह आ गया समझ में? सर मेरे को आप अभी तक जितना चैप्टर पढ़ाया ना, सबसे अच्छे से मेरे को स्क्वायर रूट ही समझ में आया है। चलिए बाबू जल्दी से लिखो शैतान, दो चार क्वेश्चन करवाएंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन पे आप लोग मेरा 20 मिनट लगा दिए। धर्मवीर बाबू समझ में आया कि नहीं आया? आपको तो आ जाना चाहिए बाबू। आ गया सर। हाँ बाबू एलकेजी का चीज है बाबू, ये भी नहीं समझोगे तो कैसे होगा? सेकेंड थर्ड क्लास का बाबू जल्दी से लिखो बाबू, आप लोग लिखने में बहुत टाइम ले लेते हो। स्क्वायर रूट का नाम नहीं सुनी हो संजना? सुने हैं सर। सुनी हो ना, तो फिर क्यों नहीं कंप्लीट कर रहे बाबू? हाँ तो आप कितने बैच अटेंड करोगे धर्मवीर बाबू? सर ये वाला और सात वाला। हाँ मॉर्निंग वाला केमिस्ट्री वो वाला सर कभी कभी छूट जाता है। कभी कभी कैसे छूट जाए बाबू? करना है तो करना, जीना है तो जीना है, पढ़ना है तो पढ़ना, छूटने की क्या बात है? आपसे छोटा छोटा सब है, शर्म भी आना चाहिए, सब छोटा छोटा आपसे, सब छोटा है फिर भी उठती है 3 बजे 4 बजे उठती है। कहा छूट जाएगा? आज नहीं आया था मॉर्निंग में बाबू? सर मॉर्निंग में आए थे क्या? गांव में थे तो आपसे मॉर्निंग में आ जाएंगे सर? गांव में थे तो नेटवर्क ही नहीं पकड़ता था सुबह सुबह। तो आज वाला वीडियो देखा सेता? ठीक है बाबू, तो आपको आधा ज्यादा क्लास कर लिए थे सर। हाँ तो 3 घंटा मेरे यहाँ पढ़िएगा ना बाबू, तीनों का अलग अलग कॉपी बनाना है। ओके ठीक है ना, और कहीं इसके सिवा बाबू स्कूल जाए बस, इसके सिवा कहीं होम ट्यूशन करने की जरूरत ही नहीं। बाकी आपके पेरेंट्स से बात कर, तो डेली पढ़ना 3 घंटा पढ़ा तो डेली पढ़ना 3 घंटा, और आफ्टर सम डे बाबू है ना कुछ 1-2 महीने के बाद वो सांबला बैच छोड़ के इसमें ज्वाइन हो जाइएगा, है ना? जब बैकअप हो जाएगा सांबला को
अच्छा ठीक है, तभी 3 घंटा आप कीजिए। ऐसा फैसिलिटी कहाँ मिलेगा बाबा, हर एक क्लास का रिकॉर्डेड सर टेस्ट, सर मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, अटेंडेंस का प्राइज, टेस्ट का प्राइज, बाकी आपके पापा से बात कर लेते हैं। ठीक है शैतान, इरेज करते हैं। लिखे तो अच्छी बात है बाबू, नहीं लिखे तो हम नहीं कुछ कर सकते, ठीक ना? आप लोग को टाइम दे, तो पापा से बातचीत होता है बाबू धर्मवीर? यस सर। तो पूछे नहीं है कि क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा? पूछे थे बाबू। Yes. पेमेंट तो वही करेंगे। यस सर। चलो अच्छी बात, पढ़ो बाबू पढ़ो, 3 घंटा डेली पढ़ते हो समझते हो बाबू? होम ट्यूशन कोई 3 घंटा पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा, 1 घंटा का 3,000 पड़ेगा। होम ट्यूशन से कम थोड़ी पर्सनल केयर है ये बाबू, उससे बढ़िया है घर में बैठ के, कहीं जाना ना उना बाबू। एक स्क्वायर बाबू, जैसे मान लो सर ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है बाबू, इक्वल टू 0 आ जाए, तो इसको तो सर हम प्रीवियस क्वेश्चन जो था सर उसको फैक्टराइजेशन कर दे रहे हैं ना, लेकिन ये फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो बाबू जो ये फार्मूला है ना बाबू, ये जो फार्मूला है ना, ये बाबू सभी जगह वैलिड है, फैक्टर होवे ना होवे सब जगह वैलिड है ना बाबू, सब जगह वैलिड है। तो यहाँ से कह रहा बाबू x की वैल्यू निकालने के लिए, है ना बाबू, x की वैल्यू निकालने के लिए। तो पहले क्या निकालना है, x के वैल्यू निकालने के लिए बाबू, x के वैल्यू में क्या होता है, फॉर्मूला होता है, एबीसी वैल्यू आता है। तो पहले एबीसी वैल्यू लिखना है ना बाबू, वैल्यू लिखना है ना। तो इसको अगर बाबू अभी आप लोग देखो, जिसको नहीं समझ में बाबू वंस मोर टाइम देखिए, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, है ना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, लिखना नहीं है, ठीक है। पहले हम लोग कंपेयर कर लेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है बाबू कंपेयर कर लेंगे, है ना बाबू। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बाबू, ए एक्स स्क्वायर सर प्लस बी एक्स आर प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको इसमें कंपेयर करो, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में क्या सर, ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में क्या बाबू 1 है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ एक्स के बगल में क्या सर, बी है, ठीक है बाबू, और यहाँ एक्स के बगल में क्या सर, सी है, तो एक्स के बगल वाले को हमने बी माना, तो यहाँ बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ एगो सी है सर और यहाँ बाबू 2 है, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। इतना तक तो समझ में आ जाता है, ठीक सर। अब उसके बाद क्या करेंगे, वो फार्मूला लिखेंगे, जो एलकेजी वाला फार्मूला छोटका सा इतना सा फार्मूला नहीं, वही लिखेंगे, है ना, वही लिखेंगे, और उसी में एबीसी की वैल्यू डालेंगे, और हमको स्क्वायर रूट से थोड़ा डर लगता है तो उसको छोड़ देंगे, माने हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, बाकी स्क्वायर रूट जब पढ़ाएंगे तो उसको डिटेल से फिर ये अच्छे से समझ में आएगा, है ना, ठीक है। अब बाबू थोड़ा सा एक बार फार्मूला लिख लेते हैं। कुछ नहीं है शैतान, कुछ नहीं है, खाली डराने का काम किया गया। तो x बराबर बाबू माइनस बी बाबू प्लस सर, कितना बाबू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना है 2a है, ठीक। एक तो प्लस वाला है सर, दूसरा फार्मूला क्या है, दो मेरे पास रेडीमेड फार्मूला बना हुआ, एक क्या माइनस बी है, माइनस बाबू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। बी स्क्वायर बाबू माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक बाबू, ठीक, अच्छी बात है, बात समझ में तो आता है। अब x का वैल्यू बाबू यहाँ पे एक एबीसी की वैल्यू रखो और आंसर पुट करो, ठीक है। तो एबीसी की वैल्यू कैसे रखेंगे बाबू, कैसे रखेंगे सीता, तो माइनस है बाबू माइनस, बी बराबर कितना है सर 6 है, बी बराबर कितना है बाबू 6 है, तो 6 रख दिए, प्लस है बाबू प्लस 2, बी स्क्वायर है सर, बी स्क्वायर है, तो बी बराबर कितना है सर 6 है, तो 6 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक बाबू, माइनस है माइनस दे दिए 4 हो गया, इंटू ए हो गया, ए की वैल्यू कितना 1 है तो 1 हो गया, इंटू सी है, सी की वैल्यू कितना है 2 है, ठीक, अपॉन 2 इंटू ए बराबर कितना 1 है, तो ए की वैल्यू 1 यहाँ पे रख दो, 2 के साथ मल्टीप्लाई में ना, और ये टर्म ये दोनों फॉर्मूला में कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कल क्या प्लस के जगह क्या माइनस है ना, तो हम इसी को कैलकुलेट पहले कर लेते सर, एक बार यहीं पे माइनस कर देंगे कि नहीं बाबू, है ना, इसी को माइनस कर देंगे एक बार कि नहीं, है ना, ठीक है सर। और नहीं मन करता बाबू कि हम दोनों लेके चले सर, तो दोनों लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बाबू, दोनों लेके चल सकते हो, हम दोनों एक ही चीज को दो दो बार थको, दधा वाला वर्क करो बाबू, आस वाला है ना बाबू, देखो बी की जगह क्या सर 6 है सर, तो माइनस 6 हो गया, यहाँ माइनस दे देंगे सर,
और बी स्क्वायर की जगह क्या है सर, सिक्स है सर, तो बी की जगह सिक्स है, तो सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू क्या है वन, और सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू कितना है टू है ना। ये हो गया बाबू गधा वाला वर्क हो गया ना बाबू, एक के चीज को दो बार लिख रहा है। तो इसीलिए बाबू इसीलिए दो बार लिखने से बचने के लिए वो क्या किया जाता है, आदमी क्या लिख देता है यहीं पे प्लस माइनस लेके चलता है। दो बार लिखने से बचने के लिए क्या करता है बाबू, एक बार क्या ले लिया, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस लेके सोल्व कर, तो प्लस माइनस लेके चलता है उसको क्या कर देता बाद में सेपरेट कर देता है ना, ठीक है ना बाबू। लेकिन हम लोग बाबू आप लोग स्मार्ट खराब बनोगे अगला क्वेश्चन से। माइनस सिक्स बाबू प्लस बाबू ठीक है, सिक्स का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है सर, माइनस फोर इंटू टू एट हो जाएगा ठीक, अपॉन बाबू कितना हो जाएगा टू मल्टीप्लाई वन टू होगा ठीक बाबू। जो चीज यही बाबू वही चीज यहाँ भी है सर, माइनस सिक्स बाबू माइनस बाबू वही चीज है बाबू, तो ये 36 माइनस एट हो गया बाबू अपॉन टू हो गया, 36 में एट सबट्रैक्ट करो बाबू तो माइनस सिक्स और 36 में एट सबट्रैक्ट करो कितना होगा 28 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 28 हो गया अपॉन टू हो गया, और यही चीज है बाबू माइनस सिक्स बाबू ये 28 हो गया बाबू अपॉन टू हो गया ठीक। तो यही बाबू क्या हो गया एक्स के वैल्यू आ गया है ना। अब बाबू जब आपको स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे बाबू तो 28 का वैल्यू निकालना बताएंगे, 28 का वैल्यू निकालना बताएंगे, याद रहो 28 का वैल्यू निकालना बताएंगे है ना। तो ये एक्स का मान आपका दो गो यही मान हो गया सेतान है ना, दो गो मान हो गया, तो ये दोनों वैल्यू में बाबू कुछ अंतर है, यहीं पे बाबू एक साथ लिखना रहेगा तो क्या लिख दिया जाएगा माइनस लिख दिया जाएगा, माइनस लिख दिया जाएगा ना। तो अभी आप लोग अभी हम लोग बाबू यहीं पे छोड़ते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे है ना करेंगे, लेकिन आप लोग को आता नहीं ना तो इसको भी यहीं पे होल्ड करते हैं, जब स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ाएंगे ना तो वहां से इसको बता देंगे आपको। लिखो बाबू ये मिस्टेक क्यों नहीं समझ में आ रहा बाबू, क्या हुआ सर देख रही हूं समझ, चलो ठीक है बाबू। सानवी आई, सानवी कहाँ चल गई थी बाबू, हे सानवी शैतान बोलो ना बाबू, सारे के पेरेंट्स को बाबू एक बार आके ना, सानवी नहीं साउंड जा रहा है क्या बाबू, अफेयर कर रहे हो ना मिस्टी, यस सर बैच डी वाला बाबू अलग कीजिएगा, इसको बाबू आपका रफ कॉपी वो जो बताए थे उसी में कर लेना ठीक है ना, बाकी फिर देखते हैं। जानवी शर्मा बदमाश हो गई, इसको आके पेपर पीटेंगे ठीक है ना, समझ में आया आर्यन की नहीं बाबू, आर्यन बाबू हाँ सर आ गया समझ में, ठीक है वो जल्दी लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और करते बाबू है ना, तो ये फॉर्मूला बाबू आप लोग को बाबू ये अलजेब्रा का बुक का एक्सरसाइज बनाइएगा, कोई ग्रुप में डाला हुआ है बाबू फोटो खींच के, अलजेब्रा कंप्लीट कीजिए कल, इसका सेवा समाप्त है बाबू, अलजेब्रा का बाबू हम लोग कल अपना ये कर लेंगे अगरबत्ती वगैरह जला लेंगे और बाबू आपका सेवा समाप्त हो गया, अलजेब्रा का बहुत पढ़ा दिए था, किसका किसका कॉपी भरा क्या सर, सर मेरा आधा से ऊपर सर, प्रखर ए टू जेड लिखी हो अलजेब्रा सर, मेरा पूरा कॉपी भर के दूसरा कॉपी लिख रहे हैं सर, उसका भी 20 पेज खत्म हो गया सर, मेरा सारा कंप्लीट है सर। हाँ बाबू तो ये अलजेब्रा था बाबू है ना, इससे अब हम लोग बाबू थोड़ा सा गौर लग लेंगे अलजेब्रा महादेव से, और बाबू कहेंगे कि जिंदगी में जब भी जीवित रहोगे आएगा आएगा है ना बाबू, कभी भी कोई भी चैप्टर पढ़ो ये सब आएगा ही आएगा, लिनियर इक्वेशन वन वेरिएबल टू वेरिएबल सारे जगह आएंगे, इसको रिवाइज करते रहना। तो इसका कल हम लोग सेवा समाप्त कर लेंगे और फिर बाबू मंडे से हम लोग फ्रेश चैप्टर सिंप्लीफिकेशन पढ़ना वो पढ़ेंगे ना, लगभग बाबू 2 से 3 मंथ हो गया, तो इसको कहते हैं शैतान कंप्लीट पैकेज, इसके बाद आप किसी भी बुक से बनाओ, कल टाइम मिलेगा वक्त आपको बुक दिखा दें ठीक है ना, टाइम मिलेगा शैतान मेरे पास बुक है ना बाबू, एक बाबू एक बुक है बाबू जिसमें 10 लिखा हुआ था उसमें गलती से 0 लिखा गया ठीक है ना, वो क्लास 1 का बुक है उससे भी क्वेश्चन करवाएंगे, 10 ना गलती से उसमें 0 नहीं लिखना चाहिए था, फर्स्ट क्लास लिखना चाहिए। चलो सिद्धांत हो गया जल्दी से लिखिए, एक क्वेश्चन और करते हैं।
सर माइनस वाला का को लेके कीजिए ना सर, माइनस वाला बाबू, माइनस वाला ठीक है बाबू, माइनस वाला लेके करते सर, सब यही वाला आप बता रहे हैं, सब बात नहीं कर रहे सर, माइनस वाला एक को नहीं बताए, ठीक है बाबू माइनस वाला भी बता देते हैं। थर्ड नंबर बाबू, 5x² बाबू माइनस बाबू 10x बाबू, ठीक है, प्लस बाबू 1=0, ठीक है बाबू, है ना बाबू, अच्छी बात है। 2 नंबर का और नहीं करना सर? नहीं, इसको यहीं तक रहने देते बाबू, स्क्वायर रूट जब पढ़ाएंगे ना तो इसको फर्दर हम लोग सिंपलीफाई करेंगे, अभी स्क्वायर रूट पढ़ाए नहीं बाबू, इसलिए डर लग रहा सारे स्टूडेंट को, है ना, डर लग रहा बाबू, है ना, ठीक है। चलो इसको हम लोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। देखो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सीता, यहां से कह रहे बाबू x की वैल्यू निकालने के लिए, क्या कह रहे बाबू x की वैल्यू निकालने के लिए, है ना, मैं वैल्यू निकालने के लिए, है ना, तो डरना नहीं है, डरना नहीं, डरोगे क्यों बाबू, बच्चा